कुचलेगा। रेलवे स्टेशन से आपका सफर शुरू होता है और आज रॉयल पैलेस में आप खास मेहमान बने। इस सफर को मोदी जी कैसे देखते हैं आप? प्रसून जी, मैं सबसे पहले तो आप सबका आभारी हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है और आपने धरती की धूल से अपनी बात को शुरू किया है। अब तो कविराज हैं तो रेलवे से रॉयल पैलेस, ये तुकबंदी आपके लिए बड़ी सरल है लेकिन जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। जहां तक रेलवे स्टेशन की बात है वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है, मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया और जिंदगी अपने लिए नहीं औरों के लिए भी हो सकती है रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई और उससे निकलती हुई आवाज से मैंने बचपन से सीखा समझा, तो वो मेरी अपनी बात है। लेकिन रॉयल पैलेस ये नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये मेरी कहानी नहीं है। पर जो भावना आपके अंदर, वो रॉयल पैलेस 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के संकल्प का परिणाम है। रेल की पटरी वाला मोदी ये नरेंद्र मोदी है, रॉयल पैलेस 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का एक सेवक है वो नरेंद्र मोदी नहीं है। और ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के संविधान का सामर्थ्य है कि जहां एक ऐसा एहसास होता है कि वरना जो जगह कुछ परिवारों के लिए रिजर्व रहती है और लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है।